अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी कैटो है। आज इसको दूध नहीं मिला, दूसरी पी के चली गई थी, ये अकेली रह गई थी। तो अभी आपके साथ वीडियो जो शेयर करने वाले हैं वो हमारी सुबह की खुराक है, सुबह की रूटीन है। बकरियों को क्या कर दे देते हैं, ठीक है। अभी देखें, बकरियां हमारी अंदर हैं, अभी सुबह सुबह का टाइम है, बकरियां सारी हमारी अंदर हैं। तो आज ब्रीडर छोड़ा हुआ है हमारी 5 बकरियों के लिए ताकि वो क्रॉस हो जाए। तो हीटर वगैरह चल रहे थे माशाल्लाह, बच्चे ने बच्चों को भी छोड़ दिया था, उन्होंने दूध पी लिया। तो नेक्स्ट अभी मैंने इनकी सफाई कर ली है, देख ले खुरली बिल्कुल साफ़ कर ली है। तो अभी इनके अंदर मैंने डालनी थी तूड़ी, तो मैंने सोचा आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ। ये थोड़ा सा गंदा हुआ पड़ा है, बाहर ना काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो मैं सोच रहा हूँ जैसे ही हमारा ये काम घर का काम ख़त्म होगा ना, तो वैसे ही मैं अपना बकरियों का सेटअप बहुत खूबसूरत सा और प्यारा सा साफ़ सुथरा सा बनाऊँ। तो तब तक हमें ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। ये देखिए, ये हमारी तूड़ी है, बिल्कुल इसको धो के मैंने साफ़ कर लिया, अभी हम इसको अंदर ले जाए। चलें जी, तूड़ी पहुंच गई है, अभी हम डालते हैं जिसको जितनी जितनी डालनी। यहाँ पे 4 बकरियाँ होती हैं तो मेरे ख्याल से इतनी काफ़ी है। तो नेक्स्ट चलते हैं अगली खुर। ये हमारी है बकरियों छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। माशाल्लाह हमारे पास बच्चे भी अभी ज़्यादा हो गए, तो ये छोटे बच्चों के लिए थोड़ी थोड़ी डालनी शुरू किए तो वो खा लेते हैं। तभी चलते हैं खाली बकरियों की तरफ। ये ले, अभी ये भी तूड़ी आ गई, इसमें हमने ये खाली कर लिया। अभी चलते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, वहाँ पे हमने तूड़ी सारी खुलियों में डाल लिया। तभी हमने जाना है, इसको ज़रा बाहर रख दे, बाद में उठाना मुश्किल होता था। हाँ जी, हम आ गए वनडे की तरफ, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके साथ शेयर करनी है सुबह की रूटीन में, ठीक है। तूड़ी हमने डाल ली, ये देखें इसमें हम देख सकते हैं, ये देखें खल बनोला है छोटे छोटे पीसीज में, बिल्कुल बारीकी हुई खल बनोला है, ये देख लें आप। इसमें मिनरल मिक्सचर भी ऐड है, इसमें मकई है, दानेदार मकई का जो दलिया होता है मैंने वो ऐड किया, क्योंकि मेरी जो बकरियां हैं वो दलिया बहुत अच्छे शौक से खाती हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें चोकर है, इसमें DCP पाउडर डाला हुआ है। और माशाल्लाह यार, ये बकरियों का सबसे सबसे गज़ाइत वाला और सबसे ज़्यादा ताकत वाला बंड है, और इसको आप डालेंगे तो आपको खुद ही फील होगा कि यार वाकई हम कुछ ना कुछ चीज़ बकरियों को दे रहे हैं, ठीक हो गया। तो अभी देखें, ये 4 बकरियां हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे डालना अकेले बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। ये लें जी, 4 बकरियों का बंडा आ गया यहाँ पर, थोड़ा सा और डाल देते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, इसको पहले हिला लेते हैं। तो हिलाने का तरीका क्या, मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये देखें ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके एक एक तिनके के साथ लगना चाहिए आपका वंडा, उसके बाद आपकी बकरियां खाएंगी अच्छे। मैं थोड़ा सा इसको हिला लूँ फिर वीडियो शेयर करता हूँ। यार ये हमने सारा एक जैसा कर लिया, इसमें वंडा शंडा डाल के देखें, ये बड़े जो पहले खुली थी इसमें कर लिया। अभी नेक्स्ट चलते हैं बच्चों की तरफ। तो मैं सोचा था इसी तरह आपके साथ वीडियो शेयर करूं, हमारी नीचे से सफाई भी होने वाली है। जैसे ही यार हमारा काम बाहर से ख़त्म होगा ना, तो मैंने फुल सोचा हुआ है कि बकरियों के लिए जो जगह है ना वो बड़ी खूबसूरत सी बनानी है। ये लें जी, ये बच्चों के लिए भी डाल दिया, ये देखें बिल्कुल ऐसे करके आप इसको मिक्स करेंगे तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। चोकर तो बच्चों का पसंदीदा चीज़ होती है, तो फिर साथ मकई है तो हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता खाते रहते हैं। मैं भी आपके साथ वीडियो भी शेयर करूंगा कि जब वो खाते हैं बहुत शौक से यार खाते हैं माशाल्लाह। देसी गोट फार्मिंग में ये सारे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा कोई वो शौक वाला सिस्टम नहीं है, हमने एज आ गोश्त तैयार करने हैं, तो उसमें ये काम ज़रूरी होता है कि तूड़ी वगैरह डाली जाए, हरा चारा डाला जाए, खुश्क लूसन वगैरह भी डाल देते हैं हम रात को, ताकि इनकी गजाइत भी पूरी होती रहे और हमारा ज़्यादा ख़र्चा भी ना आए। ये लें जी, ये बच्चों का भी तैयार हो गया, अभी चलते हैं नेक्स्ट। यार मैं ये वंडा काफ़ी देर से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था हमने ये कैसे बनाया था, ठीक है। ये देखें, इतना ज़्यादा वंडा आप डालेंगे प्रॉपर मिकदार में आपको फ़ायदा भी होगा और आपका ख़र्चा भी कम आएगा। जब ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, तो फिर इसका ख़र्चा कम आ जाता है। तो अभी हम इसको मिक्स कर लेते हैं फिर वीडियो शेयर करते हैं। ये लें जी, ये हो गया मिक्स, अभी बारी आई बकरियों की सबसे इम्पोर्टेंट काम,
पहले हम दरवाज़ा बाइक का बंद कर लें, वरना यह सीधा बाइक को ही जाती है। चलें, ये भी बाहर आ गए, अभी हो गया दरवाज़ा बंद। देखिए, उनको पता चल गया अभी होना टाइम आ गया, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। और सबसे अच्छी बात आपको दिखाता हूँ यार, देखिए जब इनको मैं छोड़ूंगा ये खुद ब खुद अपनी अपनी जगह पे जाके रुकेंगी। यही सबसे मेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात होती है यार। ये देखें, हमने इनको छोड़ दिया, ये जा रही है माशाल्लाह से। जब ऐसे खुराक की तरफ ये भागते हैं तो बड़ी खुशी होती है। ये ले, ये इधर इनकी थी, ये आपकी उधर है। चलो चलो भाई, चलो चलें जी। ये भी आ गया, ये देखें, ये सुको इधर ही रुकती है। ये लें जी, ये हमारे सारे जानवर अपनी अपनी जगह पे आ गए। ये इधर आ गया था, इसको निकाल लेते हैं यहाँ से। ये हमारे बच्चों का प्लेटफॉर्म है, ये यहाँ पे रहेंगे। चले, अभी हम बकरे को उस तरफ कर देते हैं, क्योंकि बकरा इधर नहीं रखना, क्योंकि बकरा कल परसों से हमने बकरियों के साथ छोड़ दिया था क्रॉसिंग पे, तो ये थोड़ा तंग करता है, अपनी पहली जगह पे आ जाता है। चले, इसको हम इधर कर देते हैं, अपनी जगह पे खुद ही चला जाएगा। अभी ये बच्चे भी आ गए हमारे, धूप भी आ गई है, तो अभी ये इंजॉय करेंगे, ऐसे खाएँगे भी पियेंगे भी और साथ इंजॉय भी करेंगे। यही मेन चीज़ होती है जब सुबह सुबह जानवर छोड़ें, वो भाग के आएँ अपनी खुराक की तरफ, तो बहुत खुशी होती है यार। ये देखें माशाल्लाह, अभी ये खेल भी रहे। एक साथ ब्रीड लेने के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। देखें, अभी ये खा रहे हैं, ये इस तरफ आई हुई है, तो हम इसको यहाँ से निकालेंगे, इसको अपनी साइड पे भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये बच्चों का सारा खा जाएगी। चल बहन, चलो अपने घर, चलो चलो चलो, इसको बड़ा शौक है बच्चों के साथ रहने का। चल, ये भी गई, इसको हम कर देते हैं बंद। चलें, ये हो गया बंद। अभी देख लें, माशाल्लाह से बच्चे फौरन आ गए, जैसे ही बकरी गई बच्चे आ गए हमारे। इन्होंने अभी खाना शुरू कर दिया, आप देख सकते हैं। अभी ये नए नए फीड पे लगे, तो रात को माशाल्लाह 24 घंटे इनके आगे वंडा वगैरह पड़ा रहता है, तो अभी जब बाइट से लेके आऊँगा सबस चारा, तो मैं इनको वो भी डालूंगा। ये वो भी बड़े शौक से खाते हैं। छोटे बच्चों को सबस चारा कहते तो हैं कि नहीं डालना चाहिए, लेकिन यार जो हमारी देसी फार्मिंग है इसमें सबस चारे के बिना चलता नहीं है, तो इसलिए साथ देना पड़ता है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये मेरा नेक्स्ट ब्रीडर होगा पक्का, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है इसको। काफ़ी तवज्जो के साथ क्या कहते हैं निगहदाश्त की जा रही है इसकी, कि ये हमारा नेक्स्ट ब्रीडर होगा बकरियों में। एक तो इससे ये होगा कि इसकी हमारी जो नेक्स्ट नस्ल है वो आगे से बदल जाएगी, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा अपना बच्चा है, इसकी माँ आपको पहले मैंने दिखाई थी, तो वो हमने सेल कर दी थी। एक ये, एक वो उधर खड़ा हुआ है, ये दो शायद लास्ट स्टार पर नज़र आ रहा हो, हाँ ये वाला, तो ये दोनों बहन भाई हैं। तो ये अकेली थी, ये माशाल्लाह इन इसके साथ है, ये दोनों बहनें, ये और वो बहनें। मेरे पास ज़्यादा फीमेल्स आ रही हैं, क्यों पता नहीं यार, क्यों मुझे शौक भी काफ़ी ज़्यादा है फीमेल्स का, तो मैं कहता हूँ मेरी बकरियाँ जब वो फीमेल बच्चा पैदा करती है, तो अब कहते नहीं यार मेल हो तो वो उसका वज़न भी जल्दी बढ़ जाता है, वो बड़ा जल्दी होता है, तो मैं कहता हूँ नहीं अबू जी इसमें फ़ीमेल हो तो आगे एक और बकरी बढ़ जाती है ना। चलें, खैर अल्लाह इनकी ज़िंदगी करे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कल की वीडियो में मिलेंगे। अभी मैंने घर भी जाना है, मुझे भी काफ़ी भूख लगी है, तो मैंने सोचा आपके साथ वीडियो की छोटी सी बकरियों की रूटीन शेयर करें, तो आप इनको भी देखें। माशाल्लाह काफ़ी शौक से ये तुड़ी खाती है, ये नहीं है कि तुड़ी खाते नहीं है हमारे जानवर, तुड़ी काफ़ी ज़्यादा शौक से खाते हैं। अभी इन्होंने बच्चों ने दूध शूध पी लिया, ठीक हो गया। ये हमारा ब्रीडर है, अभी थोड़ा कमज़ोर हुआ पड़ा, ये ना बीमार हो गया था, बाकी माशाल्लाह सारे जानवर फिट फाट हैं। इसने थोड़े दिन हुए बच्चा दिया, अभी ये मैला गिरा रही है, तो हमने इसको पीछे से साफ भी करना है। तो ये हमारी तीन एक जैसी, ये अभी प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो उसका यार मुझे पता नहीं था इसने बच्चा कब डिलीवर करना है, तो ये दोनों एक साथ आई थी, ये राजनपुरी में और ये राजनपुरी जो टेडी क्रॉस में। तो ये थोड़ी सी अभी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हो गई है, तो ये तो थोड़ी पे लगती ही नहीं थी, हमने इसको बड़ी मुश्किल से थोड़ी पे लगाया, ठीक है। तो अभी देख लें माशाल्लाह काफ़ी शौक से हमारे जानवर ये तुड़ी खाते हैं, तो इस तरह आप भी कर सकते हैं, अपने जानवरों को तुड़ी दें। तो इसने अभी क्रॉस होने के